मॉर्निंग कोरोना अपडेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर से डरा रहे कोरोना के आंकड़े। जी हां, बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। आज भी प्रदेश में 3455 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 69 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही वहीं दूसरी ओर दोस्तों 4 मरीजों के उपचार के दौरान मौत भी हो गई। प्रदेश में अब तक 13066 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। दरअसल आज 3455 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों में प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 7.43% हो गई है। वहीं आज मिले नए मरीजों के बाद रायपुर में संक्रमण दर 15% हो गया है। आइए जानते हैं कि बाकी जिलों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं। उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डेली के नए अपडेट्स मिलती रहे। तो राजधानी रायपुर में मिले 1024 कोरोना मरीज। वहीं दुर्ग में 463, रायगढ़ में है 455, बिलासपुर में 362, कोरबा में 319 और जशपुर जिले में है 189, जांजगीर चांपा में 177, राजनांदगांव में 85, सरगुजा जिले में है 65, बलौदाबाजार जिले में है 47, कोरिया में है 34, धमतरी में 30, सूरजपुर जिले में 29 और मुंगेली में 22। साथ ही बालोद जिले में है 20, सुकमा में है 20, कांकेर में 17, बीजापुर और कबीरधाम में 14-14 मरीज मिले हैं। साथ ही बस्तर और बलरामपुर में 11-11 मरीज और कोंडागांव में 9, बेमेतरा जिले में 8, दंतेवाड़ा में 7, महासमुंद जिले में 5, गरियाबंद में 4 और गौरेला पिंडा मरवाही जिले की अगर बात करें तो वहां भी 4 मरीज पाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आज भी नारायणपुर जिले में कोरोना के कोई नए मामले नहीं मिले हैं। तो दोस्तों ये रहा आज के ताज़ा कोरोना अपडेट। दोस्तों हम आपको बता दें कि दिनों दिन कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में आप सभी को सावधानी बरतने की बहुत जरूरी है। पब्लिक प्लेस में जाने से बचे और साथ ही अगर जा ही रहे तो मास्क लगाएं और साथ ही साथ समय समय पर हैंड सैनिटाइजर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।